एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, अपने चैनल का नाम है दया मैं सेलनेस। इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज की इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेइंग विद द नंबर से रिलेटेड है, और जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे आप देख रहे हो यह आर एस अग्रवाल की टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। तो जो क्वेश्चन का फॉर्मेट आप देख रहे हो वो लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम के बेस पर ही है। तो अगर स्टोरी प्रॉब्लम को पढ़ करके उसका लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है ये समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप कंप्लीट देख लें। और वीडियो पसंद आए लाइक दोस्तों में शेयर जरूर करेगा, और चैनल को भरपूर मात्रा में सेव करें सब्सक्राइब करके। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो, द डिफरेंस बिटवीन, अब देखो जब भी डिफरेंस वर्ड आएगा तो समझ जाओ कि वहां सब्ट्रैक्शन साइन यूज होना ही होना है। द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 63। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसे निकालना है, दो डिजिट का नंबर होगा और उस दो डिजिटों के नंबर को इंटरचेंज कर देना है। मतलब जो भी, जैसे अगर आप मान लीजिए अगर आपने नंबर 53 लिखा तो ये तो दो डिजिट का नंबर हो गया, अब इसी को पलट दो के तो 35, यानी यहाँ पे क्या हुआ, डिजिटों को आपने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया है। तो यहाँ पे भी वही करना है कि एक दो डिजिट का नंबर लेना है और उन डिजिटों को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, और इंटरचेंज करके उनके बीच में डिफरेंस निकालना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो डिफरेंस आप निकालोगे वो 63 ही आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, कह रहा है क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी आपने जो दो नंबर आपने बनाया था, दो डिजिटों का नंबर आपने जो लिया था उसमें डिजिटों का डिफरेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो कि तुम दो डिजिट का नंबर ले रहे हो, टू डिजिट नंबर जो है एक्स वाई लिए, जहां वाई जो है तुम्हारा वंस की प्लेस पर है, एक्स तुम्हारा टेंस की प्लेस पर है। अगर तुमने इसको इंटरचेंज किया, सॉरी मान लो इंटरचेंज कर रहे हो, इंटरचेंज कर दिए तो वाई एक्स हो गया। अब यहां पे एक्स वंस की प्लेस पे हो गया और वाई तुम्हारा टेंस की प्लेस पर हो गया। लेकिन क्या करना है कि आपको इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस निकालना, तो इसलिए डिफरेंस का साइन क्या कर दिया, माइनस का साइन। अब डिफरेंस करने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, 63 आना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप ये ध्यान रखो, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक आप कर सकते हो, इसीलिए मिस्टेक से बचने के लिए वीडियो को स्किप मत करना। यहां एक्स चूंकि टेंस के प्लेस पर है तो इसीलिए इसकी वैल्यू को सीधे 10x लिखना, ये ध्यान रखना। अक्सर आपको पूछ देता है भाई 10x कहां से आया, यहां तो एक्स है, यहां 10x कैसे लिखे, तो आप ये समझा सकते हैं कि चूंकि एक्स टेंस के प्लेस पर है तो इसीलिए एक्स 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x बन जाएगा। अब ये जो यूनिट प्लेस में जो वाई है इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं इस तरीके से, माइनस। अब यहां भी प्रोसेस जैसा यहां की वैसे यहां भी होगा। अब चूंकि y टेंस के प्लेस पर इसलिए 10y लिखेंगे और यूनिट जोड़ देना 63। अब यहां पे देखो क्या होगा, 10x प्लस वाई माइनस, अब देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसके साइन बदलेंगे, तो यहां 10y हो जाएगा, यहां पे माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू 63। तो यहां पे 10x और इस x के बीच में सेपरेट करोगे तो 9x हो जाएगा, इनके बीच में सेपरेट करोगे तो -9y हो जाएगा, इक्वल टू 63। इन दोनों में 9 कॉमन है, 9 निकालो तो x माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू 63। और 9 को जब यहां से हटाओगे तो चूंकि 9 और ये जो चीज लिखी गई इनके बीच में इनटू का साइन है, तो जब मल्टीप्लाई से कनेक्ट होगा तो इसको हटाओगे तो यहाँ पे डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 63/9, और ये कटेगा तो 7। तो x माइनस वाई ये 7 आया। अब आपको समझना है कि ये है क्या। अब देखो जो नंबर आप एक्स वाई ले रहे थे यही तो डिजिट्स हैं दो डिजिटों के नंबर के, और यहां पे ये पूछा भी गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा किसके बीच में, डिजिटों के बीच में। तो आपने जो नंबर जो चूज किया था एक्स वाई, ठीक है, वही तो दो डिजिट का नंबर था, और यहीं पे आपको ये पता करना है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे नंबर के बारे में नहीं पूछा गया है कि वो दो डिजिटों का नंबर क्या है, यहाँ सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है कि डिजिटों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस जो निकल के आएगा वो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे आप लोग। और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक तो जरूर करिएगा,
और उन दोस्तों को मैसेज करो जिनका मैथमेटिक्स बहुत ही गड़बड़ है। अब यहाँ देखो इन अ थ्री डिजिट नंबर, यहाँ पे एक थ्री डिजिट का नंबर है और इंफॉर्मेशन में क्या है, द टेंस डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस का नंबर यूनिट डिजिट से थ्राइस होगा, एंड द हंड्रेड डिजिट इज फोर टाइम्स द यूनिट डिजिट, और जो हंड्रेड प्लेस वाला जो नंबर होगा वो यूनिट डिजिट से क्या होगा, फोर टाइम्स हो जाएगा। और इंफॉर्मेशन दिया गया क्या, आल्सो द सम ऑफ इस डिजिट इज 16, अगर हम उस थ्री डिजिट्स में जो नंबर्स यूज हो रहे हैं उन नंबरों को जोड़ते हैं तो डिजिट 16 आ जाता है। तो आपको यहाँ ये पता करना है कि नंबर क्या है, यानी वो थ्री डिजिट का नंबर क्या बनेगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले बात हो रही है कि थ्री डिजिट का, तो चलिए अब यूनिट टेंस और हंड्रेड ये तीन डिजिट के नंबर है, ठीक है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन में क्या है उसके अकॉर्डिंग करें। देखो अगर इक्वेशन बनाना है तो देखो कैसे करेंगे, यहां से देखना, टेंस डिजिट पहला पार्ट मान लो, ईच को मान लो सेकेंड पार्ट, थ्राइस को मान लो थर्ड पार्ट, और द यूनिट डिजिट इसको मान लो फोर्थ पार्ट, यानी इसको तुम लोग केस वन कर सकते हो। तो पहले केस में अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट ऐसे लिख लो, ये हो गया पहला पार्ट, यहां पे इज लिखा गया है तो इक्वल का साइन लगाओगे तो ये सेकेंड पार्ट को इंडिकेट करेगा, थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है तीन गुना, ठीक है, तो जब भी थ्राइस यूज हो तो सीधे थ्री मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा पार्ट, और थ्राइस हो रहा है तो किससे हो रहा है, यूनिट डिजिट से हो रहा है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि यूनिट डिजिट तो पता नहीं है, तो मान लो कि यूनिट डिजिट तुम्हारा क्या हो गया एक्स, इसमें थ्री से मल्टीप्लाई किए, इक्वल का साइन यहाँ ही है, और टेंस डिजिट जगह पर टी का यूज कर दो, तो अब यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो गई 3x, तो जहां पे टी है हम वहां पे क्या यूज कर लेंगे, 3x का यूज कर देंगे, ठीक है, इससे पता चल गया कि टेंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो 3x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि सेकेंड सिचुएशन क्या है। तो जहां फर्स्ट है उसको हटा करके हम यहाँ पे सेकेंड डाल देते हैं। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, तो यहाँ पे द हंड्रेड डिजिट इज फोर टाइम्स द यूनिट डिजिट, यहां से देखो, अब यहां पे देखो द हंड्रेड इसको मान लो पहला पार्ट, ईच को मान लो सेकेंड पार्ट, फोर टाइम्स को मान लो थर्ड पार्ट, और यूनिट डिजिट को मान लो फोर्थ पार्ट, ठीक है, तो हंड्रेड डिजिट इसको मान लो पहला पार्ट आपने मान लिया, इसमें देखो ईच को मान लीजिए सेकेंड पार्ट, तो ईच को मान लीजिए सेकेंड पार्ट, तो ये तुम्हारा इक्वल का साइन हो गया, और कह रहे क्या फोर टाइम्स, फोर टाइम्स ये तुम्हारा तीसरा पार्ट हो गया, जब भी टाइम्स यूज हो तो समझ जाओ मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करना है। अब यहां देखो द यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट यहां डाल दीजिए, तो यूनिट डिजिट की जगह पर तुम लोग, अब देखो जब पहला सिचुएशन जब बनाए थे तो वहां पे यूनिट डिजिट की जगह पे आपने एक्स का यूज किया था, तो यहां पे यह ध्यान रखना ये हंड्रेड की जगह पे एच रख दो, क्लियर, ये एच शो करेगा कि हंड्रेड डिजिट का नंबर के बारे में बात हो रही है, इक्वल का साइन लगाई लिए फोर टाइम, और यूनिट डिजिट की जगह पे एच रख लो, तो जो एच की वैल्यू होगी वो फोर एक्स होगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एच की जगह पे फोर एक्स कर लेंगे, और यहाँ पे यू की जगह हमने एक्स कंसिडर कर ही चुके हैं, तो इससे ये पता चल गया कि हंड्रेड डिजिट पे क्या है, टेंस पे क्या क्या यूज हो रहा है, और यूनिट की जगह पे क्या यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग सीधे, अब यहां पे देखो जो लास्ट में एक बात कह रही है द सम ऑफ इस डिजिट इज 16, यानी डिजिटों को जोड़ने पे 16 आंसर आता है, तो चलिए एच को टी को और यू को जोड़ेंगे तो 16 आंसर मिल जाएगा, तो एच की जगह पे 4x यूज कर लीजिए, टी की जगह पे क्या यूज कर लीजिए 3x, और यू की जगह x यूज कर लीजिए, तो 16 जहां पे जोड़ोगे तो तुमको मिलेगा 8x = 16 मिल जाएगा, x = 2, क्योंकि जब 8 को यहां लाओगे ना तो ये 16 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा और इससे 2 आ जाएगा, तो जब x 2 हो गया इसका मतलब यूनिट की जगह पे क्या है 2 होगा, और टेंस चूंकि 3x है
तो इसमें हम 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके 6 निकाल लेंगे, और 100 वाला जो नंबर था वो 4x था, तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स की वैल्यू जो 2 आई है रख देंगे, तो यहाँ वैल्यू आपको 8 मिलेगा, तो यहाँ पे 8 रख लेंगे, तो जो नंबर जो बनेगा 3d2 का नंबर वो 862 बनेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा, और आप क्लास 8 में अगर पढ़ रहे हैं तो क्लास 8 से रिलेटेड जो टॉपिक्स जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं उस पर वीडियोज बना करके मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।